जय भीम। इस समय महिलाओं में सबसे ज़्यादा जागरूकता की कमी है। जागरूक महिलाएं कब होंगी? जब वो शिक्षित होंगी। शिक्षित महिलाएं कब होंगी? जब हमारे महोबा ज़िले में कॉलेज होंगे, डिग्री कॉलेज होंगे, इंटर कॉलेज होंगे, प्राइवेट होंगे। प्राइवेट बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे माता पिता इतने धनी नहीं है कि हमें शिक्षित कर सकें। सबसे पहले हमें शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा के लिए हमें हमारे महोबा विधानसभा में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज चाहिए महिलाओं के लिए। हमें मेडिकल भी चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी चाहिए। आप महिलाएं शिक्षित होंगी, जागरूक होंगी, अपने अधिकार जानेंगी, अपने अधिकार जानेंगी तो वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं। आज के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गलत महिलाओं के साथ में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हमारे अधिकार क्या हैं। जब हमें हमारे अधिकार पता होंगे, हमें हमारी ताकत का अंदाज़ा होगा कि हाँ, हमें भारतीय संविधान में अधिकार मिला है, तो हम अपनी आवाज़ बुलंद कर पाएंगे। हम बुलंद जब कर पाएंगे, जब हम बिल्कुल शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, हमारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होगा। हम घर से बाहर, हमारे माता पिता घर से बाहर हमें इसलिए नहीं निकलने देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी बेटी अभी दुनियादारी या फिर समाज के बारे में नहीं जानती है, इसलिए वो लोग घर के बाहर नहीं निकलने देते। उनके अंदर कहीं ना कहीं खौफ है कि यदि बेटी कहीं जाएगी कुछ गलत हो जाएगा। पहली बात तो माता पिता को अपनी बेटी के अंदर इतना सक्षम कर देना चाहिए कि ना तो उनको खौफ हो कि हमारी बेटी जाएगी तो कुछ हो जाएगा। जब माता पिता को पता होगा कि उनकी बेटी अपने आप में निडर है, रह सकती है दुनिया से, वो बाहर भी जाने देंगे, शिक्षा के लिए भी उनको आगे करेंगे, राजनीति के लिए भी आगे करेंगे, हर फील्ड में महिलाओं को आगे करेंगे। लेकिन जब वो शिक्षित होंगी, जागरूक होंगी, हमें हमारी मांगे मांगनी चाहिए। हमें भारतीय संविधान में इतने अधिकार दिए गए हैं, हमें हमारे अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और सबसे पहले अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव के लिए हमें अपने महोबा विधानसभा से ऐसे प्रत्याशी को उतारना चाहिए जो शिक्षित हो। बहुत आए हैं, बहुत आएंगे, बहुत चले जाएंगे, लेकिन जब तक कोई ऐसा नहीं आएगा जो शिक्षित होगा, जो महिलाओं की शिक्षा के बारे में जानेगा, जागरूक करेगा, महिलाओं के अधिकारों के लिए जो अब तक लड़ते आए हैं। और सोचिए जरा, जो इंसान अभी तक बिना किसी मोटिव के महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं, यदि वो विधानसभा में पहुँच जाएंगे तो हमारे लिए वो क्या क्या नहीं करेंगे। हमें शिक्षा देंगे, हमें रोज़गार देंगे, हमें सुरक्षा भी देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी पीड़ा देखी हुई है। महिलाओं के प्रति उनका एक अच्छा नज़रिया है, उन्हें पता है कि हाँ, महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी या फिर सुरक्षा की कमी या फिर रोज़गार, जब ये सब कमियां ही हैं तो वो कहाँ से बाहर निकलेगी। हमें हमारी महोबा विधानसभा में ऐसे प्रत्याशी को लाना है, जिताना है, जो शिक्षा को आगे बढ़ाए, महिला सुरक्षा को आगे बढ़ाए और हमें रोज़गार दे। जय भीम, जय संविधान।